हेलो, ये बताओ, ये तुम्हारा नेट ऐसा चल रहा है या फिर तुम्हारा एमएस बहुत सुंदर आ रहा है जो मेरा भी आ रहा है? अच्छा, नेट और एमएस में फर्क रहता है, मतलब वहां समझ रहे हो तुम? हेलो गाइस, सर वेलकम बैक। एंड भाई आ चुका हूँ मैं फिर से एक और न्यू वीडियो लेकर। एंड गाइस, आज के इस वाले गेम प्ले में मेरे साथ एक कितनी ज़्यादा अजीबोगरीब चीज़ होती है, मतलब ऐसा कुछ मेरे साथ आज से पहले कभी भी नहीं हुआ। अब होता कुछ ऐसा है कि यार रोजोक से एक स्कॉड फ्लेयर चलाती है, अब मैं अकेला बग्गी लेके जब उस फ्लेयर वाली स्कॉड पर रश करता हूँ और जैसे ही मैं अपनी बग्गी से एग्जिट करता हूँ वहाँ पहुँचने के बाद, तो मेरा जो बंदा है ना वो इतना छोटा हो जाता है और पूरा ग्लिच हो जाता है। मतलब मैं दीवारों के आर पार जा सकता था, दीवारों में छुप सकता था, मतलब अजीबोगरीब चीज हो रही थी। और भाई जो भी होगा वो तो यार आपको इस वाली गेम प्ले में देखने को मिल जाएगा। खैर अभी फिलहाल की बात करें तो यार देखो, मैं उतरा था जोर्जो पोल और जोर्जो पोल में मेरे साथ एक स्क्वाड और आ रही थी। और ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि यार देखो, मैं सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहा हूँ तो बहुत ही ज्यादा संभल के खेलना पड़ेगा। अब इन वाले कंटेनर से मेरे को एक फर्स्ट एड किट एंड मिनी मिल जाती है और थोड़ा लूट वगैरह करने के बाद मेरे हाथ लग जाती है डीपी। अब डीपी एंड मिनी लेने के बाद यार मैं इस वाले स्कोर पे सीधा रस कर देता हूँ। अब जैसे ही आगे आता तभी सामने दो बंदे दिखाई देते हैं जिनमें से एक को मैं नॉक कर देता हूँ। अब एक को नॉक कर दिया था तो ये टाइम था रस करने का, तो भाई साहब मैं सीधा रस कर देता हूँ। अब यहां पर एक बात मत भूलना कि मेरे सामने पूरी की पूरी स्क्वाड है और देखो अब क्या होगा। यहाँ पर जिस बंदे को मैंने सबसे पहले नॉक किया ना, मेरे को लगा था कि वो डीपी की थोड़ी सी गोलियों में नॉक हो जाएगा, लेकिन वो नॉक नहीं होता। अब यहाँ पर यार मैंने इस वाली स्क्वाड के तीन बंदों को मार दिया था और अब बचा था सिर्फ लास्ट वाला बंदा जो कि सामने की तरफ से मेरे ऊपर रश कर देता है। एंड मेरे भाई इसी के साथ हो जाती है यार ये वाली स्क्वाड वाइप। अब लास्ट वाले बंदे को यार मैं मिनी से मार देता हूँ। खैर इस बात पे एक इमोट तो बनता है। एंड गाइस, आपने अभी तक यार इस वाली वीडियो को लाइक नहीं करा तो भाई लाइक कर दो, क्योंकि इस वाली क्लच के लिए एक लाइक तो बनता है। अब इसके बाद यार जोर्जो पोल में सिर्फ ये एक स्क्वाड आई थी एंड इसको मारने के बाद यार अब मैं निकलता हूँ फ्लेयर ड्रॉप की तरफ, लेकिन इससे पहले यार दो बोट आ जाते हैं तो यार इनको ही मार लेते हैं फटाक से। अब जहां पर मेरे पास 7 की कम एमो थी तो मैं इसको पेन से मारता हूं। अब जैसे इसको मारा तभी एक और बोट आ जाता है और मैंने सोचा भाई एक को पेन से मार दिया तो दूसरे को भी पेन से ही मारूंगा। एंड मेरे भाई अब फाइनली फाइनली जी हाँ गाइज, अब जोर्जो पोल क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पर भाई डब्बे डब्बे बनाने के बाद अब क्या होता है कि भाई रोजोक से चलती है फ्लेयर, तो मैं यहाँ से बग्गी उठाता हूँ और सीधा फ्लेयर ड्रॉप पे निकल पड़ता हूँ। अब यहाँ से आप बिल्कुल ध्यान से देखो, अब जब मैंने जोर्जो पोल से बग्गी में बैठा था तब मेरा बंदा बिल्कुल ठीक ठाक था, लेकिन मैं जैसे ही इधर आता हूँ बग्गी को यहाँ पे ठोक के जैसे उतरता हूँ, देखो भाई साहब मेरा बंदा भाई क्या ही हो गया इसके साथ, आधा तो ये जमीन में घुसा हुआ है और भाई इतना ज्यादा छोटा भी हो गया है। अब यहाँ पर मेरे को ऐसा लग रहा था ना कि भाई किसी ने मेरी सेंसिटिविटी के साथ छेड़छाड़ कर दी है, मतलब मेरा बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं था मेरी सेंसिटिविटी पर और मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था भाई आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है ये। अब यहाँ पर यार मैंने 1v2 कर दिया था और अभी अभी जस्ट आपने देखा हो तो यार मैं दीवार के आर पार निकल गया था और यहाँ पे मेरे को इस बात का पता चल जाता है कि हाँ मेरे बंदे पे अब दीवारों का भी फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब मैं दीवार के आर पार जा सकता हूँ। अब दो बंदों को तो मैंने मार दिया था लेकिन अभी भी दो बंदे बाकी थे। अब सच बताओ तो यहाँ पर यार मैं काफी ज्यादा पैनिक हो चुका था क्योंकि ये चीज मेरे साथ पहली बार हो रही थी और मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब देखो सामने से एक गाड़ी आ रही थी और मैं क्या करता हूँ भाई साहब, दीवार में छुप जाता हूँ।
अब इस वाले ग्लिच की वजह से मैं इतना ज्यादा पैनिक हो चुका था कि भाई मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर भाई मेरे साथ हो क्या रहा है ये। खैर अगर ये दोबारा मेरे साथ ऐसा ग्लिच होता है तो इस बार तो मैं नहीं छोड़ूंगा, मतलब दीवारों के अंदर घुस घुस के मारूंगा भाई अगर नेक्स्ट टाइम अगर कभी भी मेरे साथ ये वाला ग्लिच होता है। खैर इसी के साथ आते हैं यार इस वाले गेम प्ले पे। अब इस वाले गेम प्ले में मैंने जो भाई आइस वॉल का यूज किया है ना, मतलब आप बोलोगे भाई मजा ही आ गया यार। तो आपको ना आइस वॉल का एक नई तरीके का यूज देखने को मिलेगा इस वाले गेम प्ले में। खैर अभी फिलहाल की बात करते हैं यार, इस वाले मैच की शुरुआत होती है अपने 70 से और भाई देखो आगे। अब इस वाले बंदे को मैंने 2 शॉटगन मार दी लेकिन उसके बावजूद ये नॉक नहीं हुआ। अब इसकी जगह मैं होता ना तो मेरी 4 पबजी खेलने वाली पुश्ते नॉक हो जाती लेकिन ये नॉक नहीं हुआ। और भाई साहब मारने के बाद पता चलता है कि ये एक पापा की परी थी, मतलब सारी पापा की परियों को मारने का कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ मेरे पास ही है क्या भाई? और ये मेरे मैच में इतनी ज्यादा क्यों आती है? नहीं मतलब आप मेरे जितने गेम प्ले उठा के देख लो, अधिकतर जितने गेम प्ले भाई सब में एक आध लड़की तो मिलती मिलती है एंड उसको मैं ही मारता हूँ, मेरे टीममेट भी नहीं मारते मैं ही मारता हूँ। खैर अब इसके बाद कहते हैं यार यहाँ पे मेरे को गन मिल जाती है। अब गन वगैरह लेने के बाद मैं जैसे इधर आता हूँ तभी ये सीन देखो। अब सामने से मेरे को ये वाला बंदा आता हुआ दिखाई देता है और मैं सोच रहा था कि भाई चलते चलते हाथ में मतलब पीछे से गन निकाल के इसको एकदम मार दूंगा लेकिन गन ही नहीं निकलती। खैर अब इसके बाद जैसे तैसे ड्रॉप शॉट लेकर मैं इसको नॉक कर देता हूँ। अब यहाँ पर इसका टीममेट भी बाकी था तो भाई देखो उसको कैसे मारूंगा। एंड मेरे भाई इसी लास्ट वाले बंदे के साथ हो जाती है ये वाली स्क्वाड वाइप। अब यहाँ पर यार हमारी एक गर्ल गेमर की उतरती पेटी बना दी थी। जी हाँ अब इसके बाद कहते हैं कि यार यहाँ पर ये जितने डब्बे पड़े थे इनको लूट वगैरह करते हैं और निकल पड़ते हैं यहाँ से। अब 70 से निकलने के बाद हम आते हैं सीधा ड्रॉप पे और ड्रॉप में मेरे को मिल जाता है जनरेटर। अब जनरेटर लेने के बाद हम यहाँ से जैसे ही निकल लेते हैं तभी यार पीछे की साइड से एक स्क्वाड आ जाती है और अब देखना भाई साहब अब यहाँ से ये मैच बिल्कुल अलग ही मोड ले लेगा, बहुत ही ज्यादा इंटेंस हो जाता है। अब सामने वाले स्क्वाड के बंदों ने मेरे को डैमेज दे दिया था तो सबसे पहले मैं आइस वॉल बना के M249 रिलोड करता हूँ, हील वगैरह करता हूँ एंड देन इसके बाद सीधा रश कर देता हूँ। और मेरे भाई सही टाइम पे मैं आ गया, मतलब अगर मैं सही टाइम पे ना आता ना तो ये बंदा मेरे टीममेट को पूरा नॉक फिनिश कर देता। खैर अब रिवाइव वगैरह देने के बाद हम अगेन दूसरे ड्रॉप पे आ जाते हैं और इस वाले ड्रॉप पे भाई साहब जो भजड़ मचने वाली है, जो ही भजड़ मचने वाली है उसका क्या ही कहना, मतलब 2 स्क्वाड आ जाएंगी और देखना आइस वॉल का क्या ही यूज करूंगा मैं यहाँ पे। अब सबसे पहले सामने की स्क्वाड फायर कर रही थी और तभी राइट से एक और स्क्वाड आ जाती है। और मेरे भाई पलक झपकते ये वाली स्क्वाड वाइप, मतलब आप यहाँ पर मेरे IQ को कितने स्टार दोगे 10 में से? भाई हुआ कुछ ऐसे कि जब जैसे मैंने देखा कि भाई राइट से स्क्वाड आ रही है तो मैंने आइस वॉल बना दी जिससे कि उनकी गाड़ी यहीं रुक जाए और उनको 2 साइड से पड़े क्योंकि सामने की तरफ भी एक स्क्वाड है और इधर हम है तो भाई ये वाली स्क्वाड फंस जाती है हम दोनों के बीच में और एंड ईजिली मार देते हैं हम इस वाली स्क्वाड को। अब इसके बाद कहते हैं यार हमारे सामने एक स्क्वाड और बाकी थी तो भाई देखो इनको हम कैसे मारने वाले हैं। अब सबसे पहली ट्रिक ये है भाई, ये वाली ट्रिक आप कई जगह पे यूज़ कर सकते हो, लास्ट सर्कल में ज़्यादा यूज़ करना अगर सर्कल ओपन में बनता है और आपके सामने सांप हो। आपको करना कुछ नहीं है भाई, 2 आइस वॉल खड़ी करनी है एंड ऊपर वाली ये जो आइस है ना, मतलब पीछे वाली दीवार के ये जो ऊपर वाली आइस है इनको तोड़ देना है एंड इसके बाद आपको ऊपर चढ़ जाना है एंड जैसे ही आप ऊपर चढ़ोगे तो आपको पता ही है भाई हाई एंड से ईजिली सांप स्पॉट हो जाते हैं। अब यहाँ पर मैं ऊपर चढ़ के बैठ चुका था एंड मैं अपने टीममेट को भी बोलता हूँ भाई वो भी सेम मेरी तरह बना ले ऐसा। अब सामने वाली स्क्वाड थी यार वो भी काफी ज्यादा अच्छा खेल रही थी क्योंकि उन्होंने भी फुल आइस वॉल वगैरह का कवर बना के रख रखा था। अब उनको मारने के लिए हम यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं, मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ कि तू लेफ्ट से फ्लैंक कर और मैं पूरा राइट से फ्लैंक करूंगा और इन बंदों को बीच में मतलब बीच में फंसा के और इजिली मार देंगे। अब यहाँ पर मैंने जैसे इस वाले बंदे को नॉक किया इसके तुरंत बाद भाई साहब मैं राइट से फ्लैंक करना स्टार्ट कर देता हूँ और यहाँ से यार मैंने थोड़ी गेम प्ले की स्पीड बढ़ा दी है क्योंकि गेम प्ले काफी ज्यादा लंबा हो जाता वरना।
आस पास में बनते, थोड़ा दूर नहीं बनते। अब मेरे टीममेट ने लेफ्ट से रश कर दिया था और उसको यार मैं यहां से कवर दे रहा था। अब इसके बाद दो बंदे जो थे यार वो सामने वाली सैक के पीछे थे, तो मैं वहां पे दो ग्रेनेड करता हूँ जिससे कि वो वहां से कवर से निकले और हम उनको इजिली मार दें। एंड मेरे भाई इसी के साथ हो जाती है यार ये वाली स्क्वाड वाइप। अब इस वाली स्क्वाड को यार हमने मतलब क्या ही स्ट्रेटजी बना के मारा। मेरे टीममेट ने आइस वॉल बना बना के लेफ्ट से फ्लैंक करा और मैं यार राइट से इनको घेर लेता हूँ। अब ये वाली जो स्क्वाड थी ये बीच में फंस जाती है एंड इस वाली स्क्वाड को हम इजिली मार देते हैं। खैर इस वाली स्क्वाड को मारने के बाद हम यहाँ से निकल पड़ते हैं। अब हमारी जो टीममेट थी ना उसका नेट नहीं चल रहा था और देखो कुछ सस्ते नशे। कौन सी दुनिया चाहिए बैंकर है भाई ये हमारे बस की नहीं है दिल में। खैर गाइस अब बंदे ढूंढते ढूंढते है यार हम इधर से जा रहे थे। अब हम जैसे इधर से जा रहे थे तभी हमारे को राइट हैंड साइड के जो घर है ना नीचे की साइड वहां पे एक यूएस खड़ी हुई दिखाई देती है, तो मैं समझ जाता हूँ बंदे हैं। एंड गाइस अब यहाँ पर आपको जो क्लच देखने को मिलने वाला है इसका क्या ही कहना, बस देखो आप। यहाँ पर मैंने दो बंदों को नॉक कर दिया था और अब बचा था सिर्फ लास्ट वाला बंदा जिस पे मैं सीधा रस कर देता हूँ। एंड गाइस इसी के साथ हो जाती है यार ये वाली स्क्वाड वाइप। तो गाइस कैसा लगा यार आपको ये वाला क्लच, देखो ये क्या बातें कर रही हैं आपस में। ये बताओ ये तुम्हारा नेट ऐसा चल रहा है या फिर तुम्हारा एमएस बहुत सुंदर आ रहा है जो मेरा भी आ रहा है? अच्छा नेट और एमएस में फर्क रहता है मतलब, वहां समझ रहे हो तुम ऐसे कोई नहीं खेल सकता नॉर्मली। नहीं भाई साहब देख रहे हो अब क्या ही बोलूं मैं, मतलब इनके नजर में जो नेट है और जो पिंग है वो दोनों अलग अलग है, आपस में कोई लेना देना नहीं है इनका। खैर इसके बाद यार हम इनको बताते हैं कि अगर नेट अच्छा चलता है तभी पिंग अच्छी आती है। खैर इनको समझाने के बाद हम फिर से अगेन आ जाते हैं इस वाली ड्रॉप पे। अब इस वाली ड्रॉप को हम लूट वगैरह करने के बाद हम जैसे यहाँ से निकल लेते हैं तभी यार हमें नीचे वाले स्क्वाड हाउस पे बंदे दिखाई देते हैं और देखो यहाँ पर मेरे साथ क्या ही गलत सीन होगा। अब यहाँ पर यार मैंने नेड वगैरह करके दो बंदों को नॉक कर दिया था और यार पूरी स्क्वाड पे मैं इजीली क्लच कर सकता था, लेकिन यार तभी टीममेट की तरफ से कॉल आती है कि ये जो लास्ट वाले बंदे हैं इनको मैं एडब्ल्यूएम से मारूंगा और भाई मैं फंस जाता हूँ वहाँ बीच में एंड वो वाले बंदे कर देते हैं मेरे को नॉक। खैर यार उसने मार दिया था, अगर नहीं मार पाता तो भाई भर के गाली देता मैं उसको क्योंकि अच्छा वाला चिकन डिनर हाथ से निकल जाता है। खैर गाइस इसी के साथ हो जाता है अपना विनर विनर चिकन डिनर। तो गाइस कैसे लगा यार आपको आज का ये वाला गेम प्ले अच्छा लगा होता है यार जरूर से एक लाइक करते जाना। चैनल पर पहली बार आ रहे तो यार सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर सोल पे कर जाना। एंड हाँ गाइज इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना क्योंकि वहां पर यार मैं काफी ज्यादा मतलब एक्टिव रहता हूँ, तो इंस्टा के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन के टॉप पे मिल जाएगी। सो गाइज मैं मिलता हूँ आप सभी को फिर से एक और न्यू गेम प्ले वीडियो के साथ, तब तक के लिए सी यू इन द नेक्स्ट गेम प्ले। पीस।